हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलते हैं, देख लेते हैं आज के हमारे कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गए हैं जो परीक्षा के माध्यम से आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। आगामी परीक्षाओं में जैसे यूपी, ट्रिपल एससी, पेट, एसएससी, जीडी इत्यादि परीक्षाओं में आप लोगों के लिए ये कारगर साबित होगा हमारा वीडियो। तो आप लोग इसे देखना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें। तो देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? ये हमारा जो सीरीज है ये जल्दी जल्दी हम इसमें पढ़ करवाते हैं, ठीक है? करंट अफेयर आप लोग जल्दी जल्दी जितना पढ़ पाएँ उतना पढ़ लें। तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? तो ये 21 सितंबर को मनाया गया है, या फिर 22 सितंबर को मनाया गया है, या फिर 27 सितंबर को, या फिर 25 सितंबर को। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 4। कौन सा है? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है। कौन सा? तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया गया है। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है? तो विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एनपीसीआई के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एनपीसीआई के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? तो दिलीप असवे हैं, विजय कुमार हैं, आशा पारेख हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, दिलीप असवे। दिलीप असवे को एनपीसीआई के एमडी एंड सीईओ के रूप में नामित किया गया है। तो ये हैं एनपीसीआई के, कौन है? तो एनपीसीआई के ये एमडी एंड सीईओ बने हैं दिलीप पारेख, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ये एमडी सीईओ बने हैं। अगला है स्टेस फिन के स्वतंत्र निदेशक कौन बने हैं? तो ये दिलीप असवे हैं, या विजय जसूजा हैं, आशा पारेख हैं, या राजेंद्र कुमार हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 2, विजय जसूजा जो हैं ये स्टेस फिन के स्वतंत्र निदेशक बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो हाल ही में कौन इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो आशा पारेख बनी है, जियोर्जिया मेलोनी बनी है, या फिर लिज ट्रस बनी है, या फिर सुएला ब्रेबरमैन बनी है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2, जियोर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हुई हैं। तो ये है इनका फाइल फ़ोटो, जियोर्जिया मेलोनी ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। लिज ट्रस कौन है? तो लिज ट्रस ये कहाँ की हैं प्रधानमंत्री? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये कहाँ की हैं? ये ब्रिटेन की प्रधानमंत्री हैं लिज ट्रस। और सुएला ब्रेबरमैन कहाँ की? ये गृह मंत्री हैं। तो आपको ये बताना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेत्री को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें हेमा मालिनी हैं, जया बच्चन हैं, आशा पारेख हैं, या फिर दीपिका पादुकोण हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 3, आशा पारेख भारतीय अभिनेत्री जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित इन्हें किया गया है। तो ये है इनका फाइल फ़ोटो, आशा पारेख, इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है आशा पारेख। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ESIC का महानिदेशक किसे चुना गया है? तो हाल ही में ESIC के महानिदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? ये दिलीप सिंह हैं, राजेंद्र कुमार हैं, मीना कांडास्वामी हैं, या फिर विजय जसूजा हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 2, राजेंद्र कुमार को ESIC का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है? तो इसका ये फुल फॉर्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश के पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की गई है? तो किस देश ने अपनी नागरिकता प्रदान की है? तो कहाँ के हैं ये अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन हैं, इन्हें किस देश ने अपनी नागरिकता प्रदान की है? तो ये जापान ने की है, या फिर चीन ने प्रदान की है, या फिर रूस ने की है, या फिर इंग्लैंड ने? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, रूस। रूस देश ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की हुई है। देख लेते हैं, तो ये है इनका फाइल फ़ोटो, कौन है ये? एडवर्ड स्नोडेन।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है, तो या राजेंद्र कुमार को, या फिर आशा पारेख को, या फिर विजय जसूजा को, या फिर रजनीत कोहली को। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 4, रजनीत कोहली। रजनीत कोहली को ब्रिटानिया इंडस्ट्री ने अपना सीईओ नामित किया हुआ है। तो देख लेते हैं, इस फिल्म के स्वतंत्र निदेशक विजय जसूजा बने हैं। एनपीसीआई के एमडी एंड सीईओ ये दिलीप असवे को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में भारत लाल को नियुक्त किया गया है। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव विजय कुमार बने हैं। SIAM के नए अध्यक्ष विनोद अग्रवाल को चुना गया है। LIC इंडिया लिमिटेड के CMD प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली बने हुए हैं। तो देख लेते हैं, ब्रिटानिया इंडस्ट्री के CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है रजनीत कोहली। तो ये इनका फाइल फोटो है, ब्रिटानिया इंडस्ट्री के CEO बने हैं रजनीत कोहली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का नया CEO किसे नामित किया गया है, तो यह राजेंद्र कुमार को, विनायक गोडसे को, अनिल चौहान को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है, विनायक गोडसे। विनायक गोडसे को भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का नया CEO नियुक्त किया गया है। तो ये इनका फाइल फोटो है, कौन है, विनायक गोडसे, इन्हें भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का नया CEO नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देश के अगले CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो देश के अगले CDS के रूप में किसे नामित किया गया है, तो लेफ्टिनेंट जनरल हैं रिटायर अनिल चौहान, या फिर एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं, या फिर नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अनिल चौहान जी को अगले CDS के रूप में नामित किया गया है। तो हमारे सबसे पहले CDS कौन थे, तो बिपिन रावत जी थे, जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका देहांत हो गया था। अब हमारे 8 महीने के बाद ये अगले CDS कौन हैं, तो ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अनिल चौहान, इन्हें नामित किया गया है। तो ये इनका फाइल फोटो है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मोहम्मद बिन सलमान को किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो मोहम्मद बिन सलमान किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये इराक के हैं, या फिर ईरान के हैं, या सऊदी अरब के हैं, या फिर रोमानिया के हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3, सऊदी अरब। सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये है इनका फाइल फ़ोटो, मोहम्मद बिन सलमान ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये सऊदी अरब के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट क्या है, आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 किस राज्य को मिला है, तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान को, तो या उड़ीसा को। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो इसमें हमारा उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। कौन सा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लोकसभा में 80, राज्यसभा में 31 और विधानसभा में यहाँ पर 404 सीटें हो जाती हैं, और विधान परिषद में यहाँ पर 100 सीटें हैं। यहाँ का राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान यहाँ है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड किस राज्य को मिला है। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड किस राज्य को मिला है, तो ये कहाँ किसको मिला है, ये मिला है उत्तराखंड राज्य को। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जिले हैं 13 टोटल। राज्यपाल कौन है, तो इसका गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 2000 को। राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। विधानमंडल 1 सदनीय है। विधानसभा में 71 सीटें, राज्यसभा में 3 और लोकसभा में 5 सीटें हैं। यहाँ का उच्च न्यायालय उत्तराखंड उच्च न्यायालय हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में 8 पुरस्कार किस राज्य ने हासिल किए हैं, तो हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में 8 पुरस्कार किस राज्य ने हासिल किए हैं, तो ये मध्य प्रदेश ने, केरल ने, तमिलनाडु ने, या फिर उड़ीसा ने। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, 1, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में 8 पुरस्कार जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी भोपाल है। सबसे बड़ा शहर इंदौर है। और इसके यहाँ के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो बीजेपी से संबंधित हैं। विधानसभा में 1 सदनीय है, इसमें 230 सीटें हैं। और यहाँ पर लोकसभा में 29, राज्यसभा में 11 सीटें हैं।
यहाँ का उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थापित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित किया है? तो किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित किया है? तो ये त्रिपुरा ने किया है, या फिर मध्य प्रदेश ने, या फिर राजस्थान राज्य ने, या फिर उड़ीसा राज्य ने। तो ये किस राज्य ने पारित किया है? तो ये किया है त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना या विधेयक पारित किया गया है त्रिपुरा के द्वारा। देख लेते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। जिले टोटल 8 हैं। मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देव हैं भाजपा से। राज्यपाल हैं रमेश वैश्य। विधानमंडल 1 सदनीय। विधानसभा में 60 सीटें, राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 2 सीटें यहाँ पर हो जाती हैं। देख लेते हैं अगला। DRDO ने कहाँ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिल या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2, उड़ीसा। उड़ीसा में DRDO के द्वारा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। मुख्य राज्यपाल हैं गणेशी लाल। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। लोकसभा में 21, राज्यसभा में 10 और विधानसभा में 147 सीटें यहाँ पर हो जाती हैं। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान भितरकनिका और सिमलीपाल यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये वाराणसी में हुआ है, लखनऊ में हुआ है, अयोध्या में हुआ है, या फिर कानपुर में। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, 3, अयोध्या। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन हाल ही में हुआ है। यहाँ पर एक चौक का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ पर साथ साथ में ही एक बीड़ा का भी उद्घाटन, वहीं पर बीड़ा भी रखा गया है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो यहाँ अमित शाह ने किया है, या फिर नरेंद्र मोदी जी ने ही किया है, या फिर राजनाथ सिंह ने किया है, या फिर नरेंद्र सिंह तोमर, हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने किया है। तो कौन है, G20 शिखर सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये किया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, जी सरकार। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, भारतीय रेलवे में कितने स्टेशनों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बताया गया है? तो इसमें 550 है, या 500 हैं, या फिर 497 ऑप्शन है, या फिर 325। तो भारतीय रेलवे में कितने स्टेशनों को दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल बताया गया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है, 497। देख लेते हैं भारतीय रेलवे रेल मंत्रालय के द्वारा ये संस्था है, और इसकी स्थापना 8 मई 1945 को हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1951 में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। इसके प्रमुख व्यक्ति में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, और रेलवे राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी, और रेलवे बोर्ड अध्यक्ष हैं अश्विनी लोहाड़ी। कौन है, अश्विनी लोहाड़ी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उर्वरक कंपनियों में किस देश की कंपनी कैनपोटेक्स के साथ समझौता किया है? तो भारतीय उर्वरक कंपनियों ने किस देश की कंपनी कैनपोटेक्स के साथ समझौता किया है? तो यह रूस के साथ में, या फिर कनाडा के साथ में, या फिर अमेरिका के साथ में, या फिर कनाडा के साथ में। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा 2 और 4 दोनों सही हो जाएंगे। भारतीय उर्वरक कंपनियों में किस देश की कंपनी कैनपोटेक्स के साथ समझौता किया है? तो ये कनाडा के साथ में किया गया है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, किस देश के चैंपियन एलियूड किपजोंगे ने बर्लिन मैराथन में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो किस देश के चैंपियन एलियूड किपजोंग ने बर्लिन मैराथन में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये कहाँ के हैं, केन्या के हैं, या फिर इथोपिया के हैं, या फिर कुवैत के हैं, या फिर इजराइल के? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही है, 1, केन्या। केन्या देश के चैंपियन एलियूड किपजोंग ने बर्लिन मैराथन में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 2 घंटे 1 मिनट 37 सेकेंड में ये मैराथन पास की हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो ये है इनका फाइल फोटो। कौन है ये, एलियूड किपजोंगे, ये कहाँ के हैं, ये केन्या देश के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के 2 नए प्रायोगिक उपग्रह सियान 14 और सियान 15 लॉन्च किए गए हैं? तो किस देश ने 2 नए प्रायोगिक उपग्रह सियान 14 और सियान 15 लॉन्च किए हैं? तो ये अमेरिका ने किए हैं, या फिर कनाडा ने किए हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया ने,
या फिर चीन सरकार के द्वारा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 4, चीन के द्वारा दो नए प्रायोगिक उपग्रह सियान 14 और सियान 15 लॉन्च किए गए हैं। चीन, तो चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा युआन हो जाती है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं और ये एशिया महाद्वीप का एक देश हो जाता है। पश्चिमी प्रशांत सागर में इसकी स्थिति बनी हुई है। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो आज के हमारे क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। बताइए।